Double kill. Double kill. सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था, 4GB, 6GB और 8GB रैम का सेंसिटिविटी प्लस फायर बटन साइज और कुछ मोबाइल का हिडन सेटिंग और जो कि आप लोग को ऑन करना चाहिए जिससे कि आपका एयरशॉट लगेगा, वो सब कुछ मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बता दिया था गाइस। कि किसने वो वीडियो देखा, अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं आप लोग को कमेंट सेक्शन में वो वीडियो पिन कर दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो अगर आप लोग का 4GB, 6GB, 8GB रैम का डिवाइस है तो। और गाइस, आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ 8GB और 12GB और कुछ आईफोन्स के सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ। आईफोन 6S, आईफोन 8 प्लस ऐसे ही कुछ आईफोन्स हैं, उन सब का सेंसिटिविटी आपको बता दूंगा। मुझे बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था 6S का सेटिंग सेंसिटिविटी लेके आओ, 8 प्लस का सेंसिटिविटी बताओ, कमेंट करते रहते गाइस, इसलिए आज मैं आप लोगों से लेके आ चुका हूँ 8GB प्लस 12GB का सेंसिटिविटी प्लस फायर बटन साइज। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करो ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, जैसे कि हम हर वीडियो में आप लोगों को क्लिप दिखाते हैं पहले, उसके बाद लास्ट में बताते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। चलिए गाइस, सबसे पहले आप लोग क्लिप देखो कुछ हेडशॉट का, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो गाइस। सो गाइस, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा मेरा गेम प्ले, तो मेरा किस तरह का हेयर शॉट लग रहा था आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और गाइस, आप लोग अभी इस तरह से हेयर शॉट लग सकता है, बस आपको मेरा सेटिंग प्लस सेंसिटिविटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ अपना सेंसिटिविटी, मेरा तो नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे 8GB रैम के बारे में। तो चलिए गाइस, मैं आपको 8GB रैम का सेंसिटिविटी दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं सेटिंग में और सेंसिटिविटी में। गाइस, ये है मेरा सेंसिटिविटी, मैं खेलता हूँ 6GB रैम में और मैं आपको दिखाता हूँ अब 8GB रैम का। सबसे पहले इसको 200 कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आए। और सबसे पहले हम लोग करेंगे जनरल को गाइस 8GB में 155 एंड इसको करेंगे 30 कर लेते हैं गाइस, 130 सही रहेगा हाँ। और 2X को थोड़ा करेंगे 170 और इसको करेंगे 85 करेंगे गाइस 4X को और स्नैप प्रो करेंगे 140 हाँ गाइस 140 सही रहेगा 140 और 145 भी कर सकते हो आप लोग। और फिर लुक को करेंगे 170 ये हो गया गाइस 170। और चलते हैं आपको कंट्रोल्स में जाके हम लोग दिखाएंगे आपको फायर बटन साइज कितना रखना चाहिए 8GB में। और ये रहा मेरा फायर बटन साइज है 58 अभी, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ 8GB में रखना चाहिए गाइस आप लोग को 62 रखना चाहिए गाइस। और इसको थोड़ा नीचे रखो अगर आप लोग का 8GB रैम है तो इसको नीचे रखो। और 6GB में यही है गाइस सेंसिटिविटी प्लस फायर बटन साइज। तो ये हो गया 8GB रैम का। अब बात करते हैं कितने GB का रैम, 12GB का रैम गाइस, 12GB रैम का बारे में बात करते हैं। इसको कर लेंगे 200 फिर से गाइस एंड यहाँ से जाएंगे हम, इसको करेंगे 130 एंड इसको भी 110 करेंगे गाइस
पे कितना ऐड कर रहा है, 110 करेंगे गाइज, एंड इसको भी इसको करेंगे 150 करेंगे गाइज, इसको करेंगे 115 में, एंड 4x को गाइज 150 करेंगे, एंड स्नैपर को करेंगे 142 143 भी सही रहेगा, 45 भी कर सकते हैं आप लोग, एंड फिर लिप को करेंगे गाइज 75। ये रहा गाइज 12 का, और चलते हैं इधर से हम लोग कंट्रोल्स में एंड फायर प्रिंस साइज में गाइज। इसके बाद हम इसको करेंगे, आप लोगों को अगर बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हो गाइज 12 में, तो अगर छोटा खेलना है तो आप छोटा भी कर सकते हो, छोटा मैं बता दूँ आपको, छोटा करना है 45 करना है, और इसको इधर बीच में रखना है, और आपको 45 नहीं दबेगा तो गाइज, अगर आपको बड़ा में खेलना है तो आप करना है इसको 70 एंड 65 कर सकते हो, और इसको नीचे रखा करो, अगर आपका बड़ा है तो वो फायर प्रिंस साइज तो नीचे रखो, अगर आपका छोटा है तो ऊपर रखो, ठीक है गाइज। ये रहा 12 का, एंड अब बात करेंगे iPhone 6s का गाइज, iPhone 6s का भी भाई एक भाई ने कमेंट किया था कि iPhone 6s का सेंसर बताओ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो iPhone 6s के लिए हम पहले इसको करेंगे 200, एंड उस पर जाएंगे जनरल में, इसको रखेंगे गाइज हम लोग 160 एंड इसको रखेंगे 135 एंड इसको रखेंगे 175 एंड गाइज इसमें ना हम 4x कम रखेंगे, क्योंकि 6s का सेंसिटिविटी थोड़ा हाई होता है, इसलिए 4x को 135 रख लेना गाइज आप लोग, मेरा 134 हो गया है, कोई बात नहीं, एक दो आगे पीछे कुछ नहीं होता गाइज। एंड स्नाइपर को कहें इसके बाद करेंगे इसको हम 155 एंड फील्ड को इसमें कम करना पड़ेगा, बहुत कम 25 कर लेते हैं। ये रहा गाइज 6s का, एंड कंट्रोल्स में, उसके बाद कस्टमर में, एंड इसमें रखेंगे गाइज हम इसको 50 रखेंगे, एंड इसको रखेंगे थोड़ा इधर इसके पास। तो ये रहा गाइज 6s का फायर बटन साइज एंड सेंसिटिविटी, एंड ये रहा गाइज 6s का, iPhone 6s का गाइज ये। एंड अब बात करते हैं 8 प्लस, iPhone 8 प्लस का गाइज, इसके लिए आपको जनरल में जाना पड़ेगा, जनरल का करेंगे हम लोग इसमें 145 गाइज 8 प्लस के लिए गाइज, 8 प्लस का ये, एंड इसको 125 एंड इसको करेंगे 180, अरे नहीं 180 नो गाइज 80 प्लस, ओनली 80 करेंगे, इसको करेंगे 120 एंड स्नैपर को गाइज करेंगे 90-95 कर लेते गाइज, एंड इसको करेंगे 140, ये गाइज 140 हो चुका है, ये हो गया गाइज 8 प्लस का सेंसिटिविटी। अब बात करते हैं फायर प्रिंट साइज के बारे में, और फायर प्रिंट साइज में गाइज आप लोग को इसमें 48-47-45 रख लेते गाइज, 45 सही होगा, 45 रख लेते गाइज, और इसको रखेंगे इधर थोड़ा सा ऊपर, एंड ये रहा गाइज 8 प्लस एंड फायर ब्रांड साइज 8 प्लस का फायर ब्रांड साइज एंड सेंसिटिविटी। और गाइज मैंने इसमें इस वीडियो में आपको आप लोगों को 4 डिवाइस का सेंसिटिविटी बताया है, और आप लोगों का कौन सा डिवाइस है आप लोग कमेंट कर सकते हो गाइज, अगर आप कुछ समझ नहीं आया तो गाइज आप लोग कमेंट करो आपका कौन सा डिवाइस है, मैं उसी डिवाइस का सेंसिटिविटी प्लस फायर ब्रांड साइज लेके आ जाऊँगा। और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग को वीडियो कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा, और हमारा गाइज 200 के जल्दी 200 के करा दो, लाइक करो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक टारगेट रखते हैं गाइज इस वीडियो में, लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 300 लाइक टारगेट रखते हैं गाइज, कंप्लीट कर देना। ओके गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू बाय। Nobody's helping.